Okay. So what's the statement that's written on the board? But before that, Marie Demerit essay statement, you will see it written in two ways. दो तरीकों से स्टेटमेंट आपके सामने होगी जब आप एग्जाम दोगे या मॉक टेस्ट दोगे. वेदर दे विल डायरेक्टली आस्क यू टू डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इसके नाम होते हैं भाई मेरिट डिमेरिट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रोस एंड कॉन्स, बेनिफिट्स एंड हार्म्स. तो इन सबका मतलब एक है. पहली बात तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को. क्लियर है? तो या तो वो सीधा कोई टॉपिक देके तुम्हें कहेंगे कि इसके फायदे और नुकसान पे चर्चा करो. इट मींस इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं मांग रहे हैं वो आपसे इस बात की. थीसिस क्या होती है? जब वो आपको अपनी ओपिनियन मेंशन करने के लिए कहते हैं कि आप अपना भी रुख बताएं कि आपका रुख उस टॉपिक के कौन सी तरफ है. ठीक है ना? तो जैसे ये प्लेन एक तुम्हें ऑर्डर कर रहे हैं या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्कस द एडवांटेज डिसएडवांटेज. इट मींस दे आर नॉट सीकिंग योर ओपिनियन और योर स्टैंड ऑन द टॉपिक. बट इन द सेकेंड वे, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज आउटवेइंग समथिंग? भारी पड़ना किसी चीज पे. तो क्या फायदे नुकसान पर भारी पड़ते हैं, क्या नुकसान फायदों पर भारी पड़ते हैं? इट मींस वो आपसे पूछ रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है, यानी आपकी आपका रुख वो चाह रहे हैं. वो अलग बात है कि दोनों के अपने फायदे नुकसान है, पर किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है. तो इन दोनों बातों में फर्क है, इन दोनों डिमांड्स में फर्क है, और तुम्हें डिमांड के हिसाब से ही अपना एसे रिस्पोंड करना है, और उसमें टास्क रिस्पॉन्स का स्कोर आपको मिलेगा. तो ये चीज थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट में देख लेना कि वो आपसे चाह क्या रहे हैं. अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या होगा? ये जो है, जब ये कह रहे हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, तो सिंपली करना क्या है, एक बॉडी पैरा, एक मेन बॉडी पैरा एडवांटेज और एक मेन बॉडी पैरा डिसएडवांटेज, और दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज एक बढ़िया तरीका है अपने बॉडी पैरा को लिखने का. इसमें भी यही लेके चलना है. ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं बतानी, जो हमने पलड़ा लिया है सर हम उसकी बात करेंगे. हमें बस थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमारा रुझान किस तरफ है, जो थोड़ा सा हम मेंशन कर सकते हैं अपनी इंट्रो में और फिर मेंशन कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में. लिखना वही है, बट सीवियरिटी, डिग्री किस चीज की ज्यादा है, वो थोड़ा हम अपने लिखते वक्त ध्यान रखेंगे, जो कि आज के टॉपिक में तुम्हें करके भी दिखाऊंगा कि कौन सी चीज की डिग्री या उसकी असेंशियल कितना है वो. ओके, ये बात समझ में आई? तो ये तो है थ्योरी जो मैंने बताई. जब तक इसको प्रैक्टिकली एक एसे में लेके नहीं चलेंगे, एक स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं करेंगे, तब तक बातें समझ में नहीं आती. व्हाट्स द स्टेटमेंट? इंटेलिजेंट मशीन्स सच एज रोबोट्स, यू एवरीबॉडी नो व्हाट इज रोबोट. दे आर इंटेलिजेंट मशीन्स. ऑब्वियसली रोबोट्स आर इंटेलिजेंट मशीन्स. एंड व्हाट आर मशीन्स? मैकेनिक्स ड्राफ्टेड क्राफ्टेड डिजाइन बाय ह्यूमन बींग्स, ब्रेन चाइल्ड ऑफ ह्यूमंस. व्हाट इज कॉल्ड ब्रेन चाइल्ड? दिमाग का बच्चा, यानी कि दिमाग की उपज उस सेंस में जो हमारे दिमाग से पैदा हुआ है. इट्स अ टर्म दैट इज यूज्ड, ब्रेन चाइल्ड. तो ये मशीन्स ब्रेन चाइल्ड है इंसान की. इंटेलिजेंट मशीन सच एज रोबोट्स आर वाइडली अप्लाइड टू द प्लेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. अर्लियर देयर वर जॉब्स दैट ह्यूमंस वर डूइंग, बट नाउ दोज जॉब्स आर बींग डन बाय रोबोट्स. इज इट ट्रू और नॉट? ये आपसे पूछ नहीं रहे ये सही है गलत है, बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है. इट्स अ फैक्ट, ऐसा हो रहा है. Raj, now robots are being used in place of human. Okay, so this is the topic, this is the statement. Now coming the demand or the prompt. Okay, जो आपको respond करना है, जिस पे आपको अपना पूरा writing करनी है. What is that? Do the advantages of this outweigh the disadvantages? What is that? Advantage of what? Advantages of robots replacing humans. क्या उसके फायदे ज्यादा हैं या उसके नुकसान ज्यादा हैं? तो हमें इस बारे में बात करनी है. अब जैसा मैं आपको बताता हूं, इस तरह की चीज में कुछ भी सही गलत नहीं होता. ऐसा नहीं है कि रूबी आप ये लिख दो कि नुकसान ज्यादा और बाद में कहो नहीं नहीं गलत लिख दिया आपने, तो इसके तो फायदे ज्यादा होने थे. व्हेन इट्स अबाउट ओपिनियन यू कैन टेक एनी ओपिनियन, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू जस्टिफाई. एंड आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल, ठीक है ना, कि युवराज ने मान लो 100 कत्ल कर दिए, ही किल्ड 100 पीपल.
यूरूबी अच्छा किया या बुरा किया? बुरा किया। वो 100 लोग प्लान कर रहे थे 1 करोड़ लोगों को मारने का, अच्छा किया, बड़ी जल्दी जस्टिफाई हो गया, बड़ी जल्दी स्टैंड बदल लिया। ओके, सो बात समझ रहे हो? द एक्शन इन इट सेल्फ इज नॉट राइट एंड रोंग, बट इफ यू कैन जस्टिफाई द रीजन वाई द एक्शन वॉज टेकन, दिस इज रॉन्ग। तो जो थीसिस तुम लिखोगे, जो स्टैंड तुम लेके चलोगे, वो सही और गलत नहीं है, बट इफ यू कुड नॉट आर्ग्यू इट, इफ यू कुड नॉट बैकअप योर थीसिस, दैट मीन्स नहीं, वो तो बस ऐसे ही बात बोल दी, आप उसको प्रूव ही नहीं कर पाए। यू हैव टू प्रूव योर एक्शन, यू हैव टू प्रूव योर स्टैंड और योर स्टांस, आपको अपनी स्थिति के बैकअप आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इन मूवीज वी सी आर heroes that we call heroes doing these mischievous activities with a reason or without a reason, but that does not matter. We feel, okay, this is something I want to do in my life, so it should not happen. We can never justify mischievous activity that is harming other people. Okay, so now we are coming to the topic again. Do the advantages of this trend out with the disadvantages. Pehle to ये पता लगाओ कि तुम्हारे पास इसके बारे में विचार क्या है। सिंपली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कितने हैं, क्या हैं, तो पहले एक बार वो लाइन अप कर लेते हैं। हो सकता है 5-5 एडवांटेज याद आ जाए हमें अपनी नॉलेज से और 10 डिसएडवांटेज, बट वी डोंट नीड सच अ नंबर। सेफ साइड, जो हमारी वर्ड लिमिट है 250 शब्द हमने पूरे करने हैं, उसके लिए 2 points, 2 advantages, 2 disadvantages आर इनफ। सो लेट्स फिगर आउट व्हाट आर द एडवांटेजेस। ओके, यू पार्टिसिपेट, यू टेल मी, रादर आई यू आर ट्राइंग टू से कि जो रोबोट्स, जो मशीन हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सस्ती है, आप कह रहे हो चीप है, और फास्ट है, एफिशिएंट है, कम वक्त में ज्यादा काम करती है और एक्यूरेसी बढ़िया निकालती है। हम इससे किससे कंपेयर कर रहे हैं? इंसान से। आप कह रहे हो अगर वही काम इंसान से कराएंगे महंगा पड़ेगा, इंसान टाइम ज्यादा लेगा और इंसान उतनी एक्यूरेसी भी निकाल पाएगा, ये सही है बात? तो ये एक सॉलिड पॉइंट है, ठीक है ना। चीप वाला चलो, चीपर, इनएक्सपेंसिव, और एफिशिएंट है, एफिशिएंसी वर्ड जब भी आएगा वो टाइम एफिशिएंसी उसमें होगी, एफिशिएंट, हालांकि वर्क भी होता है उसमें, और एक्यूरेट है कि अगर मशीन काम कर रही है तो प्रिसीजन बहुत, मतलब पहली बात तो कई ऐसे काम वो करते हैं जो इंसान कर ही नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी है जो इंसान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो NDRI है या जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, वहां जो दूध दोहने की मशीनें यूज होती हैं जो कि इंसान काम करता है, इंसान को टाइम लगता है उस चीज में, लेकिन मशीनों से बड़ी जल्दी वो काम हो जाता है, और बल्क में इतनी सारी गायें भैंसे हैं उनका दूध निकालना, तो कितने सारे लोग, कितने सारे लेबर वहां पे लगानी पड़ेगी और कितना टाइम उसमें लगेगा, बट उनके पास रोबोट्स होते हैं एक तरह के, एंड इट बड़ा फास्ट होता है उससे काम। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, बट आई हैव एनकाउंटर्ड दैट, एंड इट्स अ वेरी कॉमन टेक्नोलॉजी, दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नकली बुद्धि, नकली दिमाग। ओके, so cheap, efficient, accurate, second point, और बोलो, replacement and modification available, like I didn't get it, replacement in modification means, for example, we are having a person who is very good in his work, we don't have so much option to replace him or her, but in artificial intelligence we can do that. It's a very specific, very specific, very precise point. Can we come up with some very obvious points? Shall I give one? Ruby, you have something? Sir, we can use robots in hospitals during corona pandemic. Yeah, that's... Now you're coming closer, what point I have in my mind. They can even work in hostile environment which is not safe for humans, where humans have life threat. So as she said, during the coronavirus pandemic,
there were doctors who were working with the patients. In place of them, there could have been robots because there was no danger of being infected. Similarly, there are so many examples that I'll be giving. There are areas, underwater research, space exploration. So there is high life risk for humans, like life risk in underwater. There are whales and sharks and all those creatures. Okay. And space, like they may be choked up. They don't get the oxygen. Or yesterday we were doing it with other problems, but machines won't face that problem. They don't have those constraints or those restraints. Okay. And I have taken the example of the firefighting robots, because if humans go in such places where there is huge fire and people are dying, then robots can go to those places because they don't have this life risk. So are you getting this point? So can work in hostile. Yesterday it was the term used, hostile environment, and minimize the casualty. लड़ाई में यूज हो रहे हैं भाई रोबोट्स, युद्ध में यूज हो रहे हैं रोबोट्स, इंसान ना मरे, रोबोट्स ही मर जाएं आपस में, लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई तुम? पॉइंट वो है, पहले रोबोट बना रहे हैं, उसके बाद रोबोट्स को लड़ा रहे हैं। लास्ट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग दिस तो ये हो गया था, अगली बार तुम लोग नहीं आओगे, तुम अपने रोबोट को भेज दोगे यहाँ पढ़ने के लिए, जाओ भाई क्लास लगा के आओ मेरी तरफ से, तुम ज्यादा समझदार हो, फिर मेरा भी रोबोट ही आएगा फिर। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, फिर कनाडा भी रोबोट को ही भेज देंगे, जा बेटा पैसे कमा के आ। तो तुम कहोगे हो मम्मी पापा के पास कौन रहेगा, रोबोट छोड़ जाता हूँ पीछे ना, तो मम्मी पापा कहेंगे अगली बार बेटा बच्चे पैदा होंगे ना, हम भी माँ बाप की जगह रोबोट छोड़ देंगे। There are many movies on that. You know, movies are far ahead of the present time, and what they think now, what is shown in the movies now, that will be reality after some years. That's for true, because the movies which were made in 1930s, 1940s or 1920s, which that what was shown in those movies, that is reality now. That is reality now. Something was shown in the movie like there is a box, there is a flying box, and that box carry people from one place to other place, and that box is today aeroplane. That heavy metal box is aeroplane, and it's flying, it's carrying people from one place to another. And now you can witness like bullet train, space travel. Elon Musk is trying to develop the colonies on Mars in space. So look at the range. Aur hum ye soch rahe hain band kaise aayega batao IELTS mein. Dollars mein kamayenge jaake wahan, fees kaise nikalenge apni. So there are so many different ह्यूमन बींग्स जिनकी रेंज ही अलग है, जो धरती के बारे में सोचना छोड़ चुके हैं, ठीक है ना, और हम अपने से ऊपर नहीं सोच पा रहे, और कुछ लोग तो बस दोपहर की रोटी और शाम की रोटी उससे ऊपर नहीं सोच पाते। हम कम से कम इतना प्रिविलेज तो हैं कि कम से कम इतना पंगा नहीं है, हमें भूखे नहीं मरेंगे। निर्मल कुटिया फिर वो तो है ही है, है ना, गुरुद्वारे तो है ही है अल्टीमेटली। फिर disadvantages, yes, that's a big point, unemployment, and that's something, this single problem can create so many other problems. If robots are causing unemployment, that unemployment will cause poverty, that poverty will cause crime and corruption, and that crime and corruption will cause fatalities, deaths, and insecurity in the society, which is already happening. So it is all happening just because humans are making robots. humans are progressing, and just because of that progress, there are so many other problems coming around. So this, what is the point of progress? So there is a very badhiya line hai ek yahan pe, ye ho raha vikas hai ya ho raha vinash hai. मैं कभी नहीं हूं, बट मैंने सुना था कहीं पे। सो इज इट नीडेड, तो करो ही मत ना डेवलप, क्यों बना रहे हो फिर इतनी सारी चीजें, छोड़ो,
चलने दो ना तांगे में, पहले ठीक था ना बुल कार्ट, जहाँ पैदा होते थे वहीं खेती करते थे, वहीं पे जीते थे और वहीं मर जाते थे, है ना, सब कुछ ठीक था। बट नाउ यू पीपल पैदा कहीं हो रहे हो, पढ़ कहीं रहे हो, बस कहीं रहे हो, ट्रैवल कहीं कर रहे हो, इच्छाएं नहीं खत्म हो रही तुम्हारी। आज ये सीन है, कल को एक पैदा जुपिटर पे हुए थे, स्टडी मार्स पे जाके की, ठीक है ना, शादी प्लूटो पे रखी हुई थी बच्चे पढ़ने के लिए वहां सूरज पे भेज रखे हैं, तब तक तो सूट बन जाएंगे ना सूरज पे लाइटिंग अच्छी होती है ना, रोशनी की प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, बट स्टिल यू आर मिसिंग वन मोर थिंग। इन व्हाट वे? टेक्निकल इश्यूज यू आर टॉकिंग अबाउट? Why we are not thinking about that? What if they turn hostile? What if they become our enemy? Chitti. That's shown in the movie. Okay, we are. मतलब करना क्या? चिप ही तो बदलनी है. And there are people who are ready to change that. They can be misused, mishandled, misdirected, misguided, because they don't have their own judgment. Robots don't have their own judgment. हाँ, जो रोबोट 3 मूवी आएगी उसमें रोबोट की जजमेंट आ जाएगी, उसमें भी आ गई थी थोड़ी थोड़ी सी इन द प्रीवियस मूवी, पहली में आ गई थी ना जजमेंट थोड़ा सा. ओके, सो दैट्स अ मूवी. सो डोंट पजेस ओन जजमेंट, जजमेंट ऑफ राइट एंड रोंग. बट पॉइंट ये है, हम कह रहे हैं रोबोट्स में राइट एंड रोंग की जजमेंट नहीं है, हमारे अंदर है. तो हमने क्या कर लिया? हमारे अंदर है ना, तो ये क्यों हो रहा है इतना कुछ? हमारे अंदर जजमेंट है तो क्यों न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो जाते हैं हिरोशिमा नागासाकी पे? क्यों इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, दो दो बार हो चुकी है और तीसरी बार की तैयारी चल रही है, और मीडिया पूरी कोशिश कर रही है कि लग ही जाए युद्ध. मीडिया बहुत जोर लगा रहा है कि हो ही जाए बस युद्ध, बढ़िया फुटेज मिलेगी, कई साल तक मुद्दा मिला रहेगा, है ना. सो ये बहुत कुछ है. यूट्यूब चैनल वाले बैठे होंगे कि यार मसाला आने दो, कोई मरा नहीं क्या आज? सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं हर तरह के, ठीक है ना. सो दीज आर द पॉइंट्स वी हैव कम अप विद. नाउ द थिंग इज दैट हम क्या स्टैंड लेंगे? अब बताओ क्या किस पे आउटवे करेगा? आप कह रहे हो फायदे ज्यादा हैं, है ना. यहां ज्यादा नंबर की बात नहीं करनी, ये मत सोचना कि यहां 4 लिख लेंगे तो अरे डिसएडवांटेज ज्यादा है, यहां 4 पॉइंट लिख लेंगे तो अरे फायदे ज्यादा है. इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द एडवांटेज डिसएडवांटेज, इट अबाउट द सीवियरिटी, द डिग्री. द पॉइंट इज दैट जब ये आपके एंटी होके धरती को ही खत्म कर देंगे या लोगों को मारना शुरू कर देंगे, सो व्हाई वुड यू नीड एक्यूरेसी इन द फैक्ट्रीज और इन द प्रोडक्ट मेकिंग और इन द कैलकुलेशन और इन द बैंकिंग सेक्टर? लोग इन रहेंगे फिर बैंक का क्या करोगे? फिर पैसे निकलवा के क्या करोगे? पॉइंट ये है. सेकंड, क्या करोगे रिसर्च वगैरह करके? किस लिए कर रहे हैं हम रिसर्च? अंडर वाटर रिसर्च या कुछ भी? हाँ, ये हो सकता है कि हम ये स्पेस की रिसर्च इसलिए कर रहे हैं किस दिन रोबोट्स अगर जो एंटी हो गए धरती पे तो हमें भागने के लिए एक जगह चाहिए होगी, ठीक है ना. पर अगर रोबोट इतने एंटी हो जाएंगे और इतने एडवांस हो जाएंगे तो वो भागने देंगे तुमको? पॉइंट ये है. तो सीवियरिटी की बात करें, एक फायदा तो मिल गया और ये, और इसकी वजह से आगे जो 36 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो क्या करेंगे उस एफिशिएंसी का? हमें क्यों तेज ट्रेवल करना है? हमें क्यों तेज प्रोडक्ट्स बनाने हैं? समझ रहे हो ना? हमें क्यों दूर बैठी ऑनलाइन स्टडी करनी है? वहीं कर लो ना जहां हो. पॉइंट ये है, सीवियरिटी किसकी ज्यादा है? लाइफ का थ्रेट कहां पे आ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट से भी अगर जो हम उसके सीक्वेंस देखें सब सीक्वेंटली, उससे भी लाइफ थ्रेट क्रिएट हो जाते हैं. जब क्राइम बढ़ता है, जब बसें की बसें या ट्रेन्स की ट्रेन लूट ली जाती हैं, और दिस इज द बिगनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट तो अब शुरू हुआ है.
अब तो ये सब कब हो रहा है, ये 10-15-20 सालों में तो इतना रोबोटिक्स डेवलप हुआ है या इतना सारा कुछ डेवलप हुआ है, तो धीरे धीरे करके बस यहाँ पे एक रोबोट टीचर खड़ा होगा, ठीक है ना, रोबोट टिकट भी देखो मिलने लगी है मशीनों में, टिकट मिलने लगी है, उनकी जॉब चली गई, बैंक में ATM आ गए जो पैसे गिन के देता था उसकी जॉब चली गई, ठीक है ना, ड्राइवरलेस, समझ रहे हो ना, ड्राइवरलेस कार पे काम चल रहा है, ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी, और घर में खाना बनाने के रोबोट आ जाएंगे, मम्मी बैठेगी टांग पे टांग रख के, फिर एक रोबोट आएगा पानी लेके आ, वो पानी ला के दे देगा, रोबोटिक वेटर्स हैं, तो सर्व करने वाले रोबोट्स, बनाने वाले रोबोट्स, बाहर ले जाने वाले तुम्हें कहीं रोबोट्स, आगे पढ़ाने वाले रोबोट्स, पैसा निकालने रोबोट्स, तो लोग क्या करेंगे लोग क्या करेंगे तो द थीसिस और द स्टैंड दैट आई हैव टेकन और द सीवियरिटी दैट आई हैव टेकन टुवर्ड्स दिस साइड दैट देयर आर मोर डिसएडवांटेजेस मोर सीवियर डिसएडवांटेजेस and if they are not handled properly then it could be catastrophic for the entire humanity which is not obviously the goal of the entire humanity we want to progress so ultimately if by our own actions we end up destroying ourselves then what's the point okay so this is the thing शुरू करें ओके यू स्टार्ट राइटिंग आई कीप एक्सप्लेनिंग एंड व्हाई एम आई राइटिंग ओवर हियर जबकि ये यहां लिखा हुआ है कंप्लीट बट यू डोंट ओपन योर बुकलेट्स आई ओपन माइन ओनली टेल मी व्हाट्स द बेनिफिट व्हेन आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग राज Rather, you read by yourself. We are having more observation and getting more ones teaching. New vocabs. New vocabs. You will get to know. I'll help you in making the pictures in your mind. I'll help you having an image of the examples. So that you may not do by yourself. Okay. And in what context I have written something that will also help. Why I have used certain phrase or word over that place, why I have picked certain supporting idea to elaborate the main idea, and how I have used the example to validate the main idea. So this is the thing you need to understand. That's why I'll write. Okay. Okay, start writing. What is the first sentence of the introduction? What we call that? Background statement. And what is a background statement? That begins the topic or the essay, which is a kind of fact, which is a kind of recent trend. So, write down, in this era of technological advancement. So in this era of technological advancements, why it is appropriate to write technological advancement over here? Because the topic is about robots. Topic is about robots. इसलिए यहाँ पे technological advancement लिखना जरूरी है. लेकिन मैंने एक चीज notice की है. Topic कोई भी हो, खाने पीने का topic होता है, topic होता है environment का. लेकिन just because कि मैंने ये बताया ना, कई बच्चे इसको ऐसे ही चिपका देंगे कि ये तो लिखना ही लिखना है. अच्छा है ना, इसका स्कोर मिलेगा. ये चीज गलत है, ठीक है ना. अगर बात जैसे उसने MNC की बात थी, तो मैंने लिखा था एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि MNC इज मल्टीनेशनल कंपनी दैट डायरेक्टली रिलेट्स टू ग्लोबल ट्रेवल और ग्लोबल ट्रेड्स. ओके, तो वो उसके साथ अप्रोप्रिएट था. तो अप्रोप्रिएटनेस देखा करो, ऐसा नहीं कि सर ने बताया था बड़ा अच्छा वर्ड है इसको लिख देते हैं. कई बार क्या होता है, ये वर्ड तो लिखना भूल गया, चलो ऊपर लिख देता हूं, वो कैप का स्कोर तो मिलेगा. ओके, कोमा. अब नाउ, अब हमें अपनी नॉलेज से कुछ लिखना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड AI, वी कॉल इट AI, ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम उसको. AI, artificial intelligence, is emerging as the most powerful tool. Is
emerging as the most powerful टूल, मोस्ट पावरफुल टूल. अगर हमें लिखना हो ना कि बहुत सारे पावरफुल टूल होते हैं तो लिख लो एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल. फिर यहां टूल्स लिखना पड़ेगा. बहुत सारे पावरफुल टूल्स हैं बट उसमें एआई एमर्ज कर रहा है या उभर के आ रहा है एक बहुत शक्तिशाली औजार हथियार के तौर पर. तो उस सेंस में आप इसे लिख सकते हो. क्लियर है ये? तो ये फैक्ट है. इससे हमने टॉपिक शुरू किया. रीडर को थोड़ा अंदाजा हो गया कि आज बात भाई एआई की चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि टेक्नोलॉजी की. ओके, रोबोट्स की. रोबोट्स एंड सीएनसी. अब सीएनसी क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल न्यूमेरिक कंट्रोल. अब ये भी एक्सपोजर की बात है. किसी को पता है, किसी को नहीं पता. मुझे पता है बिकॉज माई ब्रदर वर्कड इन सच एन इंडस्ट्री. तो ही वुड टॉक टू मी लाइक दिस SMT मशीन्स एंड सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी एंड CNC मशीन्स, जिसमें आपकी इन लाइट्स के कार्ड बनते हैं, आपके TV में जो कार्ड यूज़ होते हैं वो बनते हैं, मोबाइल में जो कार्ड यूज़ होते हैं, मीटर्स में जो कार्ड यूज़ होते हैं, जो बिजली का मीटर. सो दोज मशीन्स आर कॉल्ड CNC मशीन्स और SMT मशीन्स. और उसका मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इज अ रोबोट इन इटसेल्फ. बस वहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम आपने तैयार करना है कि क्या चीज़ कब रुक जाए, कब चल जाए, कहाँ से काट दे, कहाँ पे सोल्डर कर दे, कहाँ पे टांका लगा दे, जो हमारी लैंग्वेज में होता है. बस इधर से रो चीज़ें डालो, सामान लगा दो और उधर से प्रोडक्ट बन के निकल जाता है. वो एक प्रोग्राम होता है उसमें मशीन के, और वो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल यानी कि सारा कंप्यूटराइज कंट्रोल होता है. और बहुत सारा काम वो मशीन कर देती है, बस उसको ऑपरेट करने के लिए एक बंदा चाहिए जो थोड़ा बहुत सुपरविजन रख सके. अदरवाइज वो काम अगर बंदों ने करना हो ना तो 100 बंदे एक दिन में वो काम नहीं कर सकते जो एक मशीन एक दिन में निकाल देती है करके. सो वो भी एक रोबोट है. सो रोबोट्स, अब ये बात तुम अगर खुद पढ़ते, सोच के देखो, जैसे मैं पहले कर रहा था कि तुम अपने आप पढ़ लेना इस चीज को, क्या ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिलती? नहीं. ये जो मैंने तस्वीर बनाई कि वो मशीन बेसिकली क्या होती है, वो क्या काम करती है, तो कितने सारे लोग को उसने रेड्यूंडेंट कर दिया, आउट ऑफ जॉब्स कर दिया, बिकॉज अच्छा ह्यूमन काम करेगा वो काम इतने सफाई से भी नहीं होगा. मशीन प्रिसीजन, नैनो मिलीमीटर का प्रिसीजन इंसान करेगा. इंसान यहाँ छेद करना शुरू करे और हाथ फिसल के यहाँ हो जाएगा. लेकिन मशीन नैनो, बिल्कुल सेंसर्स होते हैं उसके अंदर, वो इधर से उधर नहीं होता. सो मशीन्स आर ऑलरेडी बींग मैसिवली यूज इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. ये कौन सी ग्रामर है? मैसिवली यूज्ड, एक्टिव है या पैसिव है? मशीन्स आर ऑलरेडी बींग मैसिवली यूज्ड. अब यहां पे मैसिवली अच्छा खासा इस वर्ब एडवर्ब को मैंने प्लेस किया. बींग यूज इस्तेमाल हो रही है, ये दोनों एडवर्ब है. ऑलरेडी पहले ही मैसिवली बहुत बड़े स्तर पर. अब तुम लोग ऐसे एडवर्ब ठीक से प्लेस ही नहीं कर पाते. ठीक है, यूज कहां पे? इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. अब ये भी टर्म है. पॉइंट ये है, जस्ट इमेजिन आज तुम जिस लेवल पे हो वोकैबुलरी के, किसी भी चीज के, वुड यू यूज दीज टर्म्स? क्या तुम AI यूज करते? क्या तुम CNC यूज करते? क्या तुम मोस्ट पावरफुल टूल वर्ड यूज करते? क्या तुम ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर पिक कर सकते थे अपने आप से? मैसिवली लगाते, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन नहीं करते, बिकॉज आज की जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्सपोजर है उसमें ये टर्म्स होंगी नहीं, और जो होंगी वो नाकाफी होंगी उस बैंड स्कोर के लिए जो हमें राइटिंग में चाहिए. सो दैट्स व्हाई यू आर इंप्रूविंग योर एक्सपोजर. गलत वो भी नहीं है, ठीक है ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन्स. मशीन्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आर देयर इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. एंड कौन है भाई आज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन? US सबसे आगे है इस चीज पे. चाइना बहुत आगे है, बहुत मुल्कों का काम चाइना करता रहा है, पीछे थोड़ा कम हो गया है लेकिन बहुत बड़ा लेवल पे काम करता है. जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जर्मनी गाड़ियों वगैरह के उसमें. सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं. इंडिया में भी इंडस्ट्री धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रही है, की हैं. ओके, अब
यहाँ पे मैं अपना स्टैंड, जो मेरी ओपिनियन है, आई थिंक दैट देर आर मोर नेगेटिव एस्पेक्ट्स. Keep it simple, clearly अपना opinion रखो. मुझे, मेरा मानना या मैं सोचता हूँ इसके ज्यादा नकारात्मक पहलू हैं aspects of excessive application of mechanical intelligence. किसके? Of excessive application of mechanical intelligence. Then benefits. तुलना कर रहे हैं ना? More आया था ना? तो तुलना. Then benefits. So ये मेरी thesis है. More negative aspects then benefits. किसके? Mechanical intelligence. मैं थोड़े word change कर रहा हूँ. कहीं robots हैं, कहीं AI है, कहीं mechanical intelligence. मशीनी ज्ञान, मशीनी बुद्धि. ओके, क्लियर? ये है इंट्रो. इंट्रो ने थोड़ा रीडर का माइंडसेट रेडी कर दिया और हमने थोड़ी ओपिनियन भी रख दी. अब हमें वो काम करना है जो उन्होंने हमें कहा है. हमें पॉजिटिव पे ही बात करनी है, हमें नेगेटिव बात करनी है, और जब कंक्लूजन आएगा तो वहां पे दोबारा से हम अपनी थीसिस को रीइटरेट कर देंगे, रीकैपिचुलेट कर देंगे, रीफ्रेज कर देंगे, पैराफ्रेज कर देंगे, रीराइट कर देंगे. बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है? यूसेस, इस्तेमाल. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस मार्कर? राइट. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कैमरा? रिकॉर्ड. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस वॉच ओवर हियर? इट टेल्स अस द टाइमिंग. एप्लीकेशन, हाउ वी अप्लाई दैट. ओके, एक्सेसिव एप्लीकेशन, दैट्स अ फ्रेज, ज्यादा ही इस्तेमाल. यूसेज का सिनोनिम है एक तरह से, एक्सेसिव यूसेज, एक्सेसिव यूज. ओके, और जो आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन है, बेसिकली क्यों है वो? उनका नाम ही एप्लीकेशन क्यों है? एप्स क्यों है वो? बिकॉज दे डू समथिंग. वो ये काम करती हैं. कोई नोट्स बनाने की ऐप है, कोई इंस्टेंट मैसेजिंग की ऐप है, ठीक है ना, कोई गेमिंग ऐप है. सो दैट्स व्हाई देयर एप्लीकेशन. टिकटॉक याद आता है? टिकटॉक, पबजी. ओके, अब वी हैव टू राइट द फर्स्ट मेन बॉडी पैरा. इज इट डन? ओके, टेकिंग द ब्राइटर साइड इनटू कंसीडरेशन. डिस्कसिंग अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स. There can be many ways of seeing the same thing or doing the same thing. So this is one way. So इससे reader को क्या पता लग गया? अब क्या आएगा युवराज? Brighter side, उसका सकारात्मक पक्ष, उसका अच्छा चेहरा. Taking the brighter side into consideration first, पहले. यानी कि मैं बाद में उसका darker side भी लूंगा consideration में, negative पहलू भी लूंगा. Artificial intelligence can be a great help for humans in many ways. Artificial intelligence can be a great help to humans ya for humans, dono aa sakte hain, to humans in many ways. तो ये थोड़ा सा रेडी हो गया कि अब क्या आएगा जितिंदर, अब क्या आएगा? अब मुझे क्या लिखना चाहिए आगे? हाउ इट हेल्प्स ह्यूमन, हाउ इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और एक्यूरेसी इन द जॉब्स दैट ह्यूमंस डू. ओके, अब मुझे कुछ ऐसा लिखना है. अब थोड़े से साइन पोस्टिंग वर्ड. फर्स्टली इट मीन्स, अब मैं फर्स्ट पहला कि कैसे भी ह्यूमन का हेल्प करता है वो लिखने वाला हूँ. फर्स्टली, robots are far efficient and accurate than humans. Robots are far accurate and efficient than humans. ये यहाँ एक चीज देखो, far accurate, मैं खाली accurate भी लिख सकता था,
रोबोट्स आर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट देन ह्यूमंस. फार एक्यूरेट यानी कि बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छा खासा. फार एक्यूरेट एंड एफिशिएंट देन ह्यूमंस, तुलना कर दी ह्यूमंस से. किस चीज में? इन परफॉर्मिंग मैनी एक्शंस इन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज. इन परफॉर्मिंग मैनी एक्शंस, मैनी के रिप्लेसमेंट क्या हो सकते हैं? अ नंबर ऑफ एक्शंस, सेवरल एक्शंस, न्यूमरस एक्शंस, ओके, वेरियस एक्शंस. सो दीज कैन बी द रिप्लेसमेंट. ओके, मैनी एक्शंस इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज क्या होती है? प्रोडक्शन यूनिट्स, जहां चीजें प्रोड्यूस होती हैं, तो आप वो रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हो. फैक्ट्रीज एज अ रिजल्ट. हाँ जी, एज अ रिजल्ट का क्या मतलब है? ये फ्रेज है, ऐसी चीजें रखा करो, साइन पोस्टिंग फ्रेज, यानी कि अब मैं उसकी वजह से क्या नतीजा आता है, इसके लिए क्या वर्ड हो सकते हैं? कंसिक्वेंटली, है ना, ये वर्ड आ सकता है. सबसिक्वेंटली, ये टर्म हम यूज कर सकते हैं. नतीजतन जिसको बोलते हैं. तो एज अ रिजल्ट, नतीजा क्या होता है उस चीज का, यानी किस चीज का, कि वो एफिशिएंट हैं और इंसान से ज्यादा एक्यूरेसी. एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन यूनिट्स आर एबल टू ऑपरेट फास्टर. ये सपोर्टिंग आइडिया दे रहा हूं मैं, ये मेन आइडिया पहले था, अब सपोर्टिंग आइडिया. प्रोडक्शन यूनिट्स आर एबल टू, ग्रामर देखो भाई, ग्रामर की रेंज दिखानी है. आर एबल टू ऑपरेट फास्टर, परफॉर्म शायद पहले यूज हो चुका है, ऑपरेट फास्टर. आर एबल टू इस योग्य हो जाती है कि वो ज्यादा तेजी से काम कर पाती है, ऑपरेट फास्टर. एंड जनरेट बेटर क्वालिटी गुड्स. एंड जेनरेट क्या होता है? जेनरेट, प्रोड्यूस, क्रिएट, मैन्युफैक्चर. वी कैन यूज द सिनोनिम्स. अगर दोबारा ऐसा कुछ आता है तो सेम वर्ड मत यूज करना, उसका सिनोनिम यूज कर लेना. जेनरेट बेटर क्वालिटी गुड्स, प्रोडक्ट्स, क्वालिटी, हाई क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, ठीक है ना, सुप्रीम क्वालिटी, कुछ के लिए सारे टर्म यूज होते हैं. इन डेवलप्ड नेशन, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी जरूरी है. इन डेवलप्ड नेशंस, इन डेवलप्ड नेशंस, थोड़ा पिक्चराइज करवाओ रीडर को, कौन से डेवलप्ड नेशन? इन डेवलप्ड नेशंस सच एज यूएस एंड जापान, सच एज यूएस एंड जापान, कोमा, ये जो है ना, हमने सच एज ये एक तरह से बीच में रख दिया दो कोमास के, सच एज यूएस एंड जापान, most jobs are performed by high tech machines in major industries. Most jobs are performed by high tech machines in major industries. क्यों लिखी मैंने ये लाइन? बिकॉज इसके पीछे मेरा एक्सपोजर था. इसके पीछे आई वुड वॉच मेगा फैक्ट्रीज करके एक डिस्कवरी पे प्रोग्राम आता है, उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का मेंशन होता है. किसी में गाड़ियां बन रही हैं, तो किसी में कोई फूड प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, चॉकलेट्स रेडी हो रही हैं, तो किसी में कुछ, किसी में कुछ. तो वहां मैं देखता हूँ ना, इट्स ऑल मशीन्स, सब यहाँ से चीजें जा रही हैं, अपने आप वो कन्वेयर बेल्ट पे आगे जाती हैं, वो अपने आप पैक होती हैं, अपने आप लेबल होती हैं, वहां पे आके बस अपने आप ही पैक हो जाती है. आखिर में एक बंदा बस उसको लोड करता है और वहां बंदा ही नहीं दिखाई देता कोई. अब तुम्हारी गाड़ियां बनती हैं, रोबोटिक आर्म्स होती हैं जो चीजें फिट करती हैं, इंजन में चीजें लगाती हैं प्रिसीजन के साथ, बिल्कुल कहां क्या करना है, गाड़ी तैयार, अगला, अगली गाड़ी का इंजन. सो इट हैपन्स. वो मेरे माइंड में था, वो माइंड में था, तो उसकी वजह से मैंने ये लिखा. Most jobs are performed by high-tech machines in major industries. Major industries, automobile, FMCG, or textile, electronic. अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक. खाने पीने की इंडस्ट्री अलग है, वाहन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अलग है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलग है, टेक्सटाइल कपड़ों की इंडस्ट्री. तो ये तीन चार तो मेजर इंडस्ट्री है ही. फार्मा, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? कोरोना के बाद फार्मा को कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है ना. नहीं,
एक तरह से उसका शॉर्ट हाई एंड टेक्नोलॉजी का हाई टेक, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो उसको शॉर्टकट में, ठीक है ना। साइंस फिक्शन देखा है कैसे लिखते हैं, साइफाई मूवी ऐसे लिखते हैं ना, साइंस फिक्शन, तो उसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं। आई अवॉइड यूजिंग इट, मैं कोशिश करता हूँ इसको अवॉइड करें, ETC तो हम फिर भी यूज कर लेते हैं एटसेट्रा, बट आई अवॉइड यूजिंग सच एब्रीविएशन, सच एक्रोनिम्स, तो पूरा यूज करो सच दैट, अवॉइड एक्रोनिम्स, ओके। अभी ये तो एक पॉइंट है, सेकेंडली, हाँ जी, फर्स्टली सेकेंडली, तो ये देखो ये लिखने से क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, कोहेरेंस कोहेजन आ रहा है, रीडर को क्लैरिटी मिल रही है, एक पॉइंट हो गया है, ठीक है ना। ये लिखने से सच एज क्या आ रहा है, रीडर सोच पा रहा है कंट्रीज का, ये लिखने से क्या आ रहा है, बात आगे बढ़ रही है एज अ रिजल्ट। तो ये टर्म्स कनेक्टर्स प्रोग्रेशन देती हैं हमारे राइटिंग को। सेकेंडली, रोबोट्स कैन इजिली वर्क इन होस्टाइल एनवायरमेंट, जो कि मैं तब कह रहा था, रोबोट्स कैन इजिली वर्क इन होस्टाइल एनवायरमेंट। द पॉइंट इज दिस, तुम ये टर्म कभी यूज नहीं करोगे अगर होगा ही नहीं तुम्हारे पास, तो आज है और आज के बाद से हमेशा रहेगा। इसे कहते हैं एक्सपोजर गेन करना, जो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी इनपुट से आता है, चाहे वो रीडिंग इनपुट से आए, चाहे वो इस तरह से की क्लासरूम इनपुट से आए, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री देखने के इनपुट से आए, कहीं ना कहीं से तो गेन तुम्हें वो करना पड़ेगा। इसीलिए क्लासरूम्स होते हैं, इसीलिए टीचर्स होते हैं, मेंटर होते हैं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का अनुभव तुम्हें आज निचोड़ के इस ऐसे के जरिए दे रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मैंने ये वर्ड एक ही दिन सीखे थे, पता नहीं कब क्या कहाँ कैसे देखा सीखा समझा पढ़ा और उसको फिर उसमें उतार के आज मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो टीचर क्या काम करता है, बहुत सारे चीज़ों को एक जगह पे एक छोटी फॉर्म में तुम्हें प्रोवाइड कर देता है, जो तुम अपने आप करने लगोगे तो तुम्हें भी उतना ही टाइम लग जाएगा जितना मेरा, जितनी मेरी उम्र जा चुकी है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। मे बी मोर देन दैट, मे बी यू आर नॉट दैट मच एफिशिएंट एज आई वॉज, और मे बी यू आर मोर एफिशिएंट देन मी, क्या पता जल्दी भी कर लो। सो रोबोट्स कैन इजिली वर्क इन होस्टल एनवायरमेंट लाइक स्पेस, अब लिखना है कैसा, लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन, अब ये टर्म शायद तुम ना यूज करते, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स एंड अंडर वॉटर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, अंडर वॉटर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ओके। वेयर, अब मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं खत्म नहीं कर रहा, वेयर कोमा लगाया, वेयर जहां क्या होता है, ह्यूमंस हैव लाइफ रिस्क, ह्यूमंस हैव लाइफ रिस्क, जहां पे इंसानों को जीवन का खतरा होता है, बिल्कुल होता है भाई, पानी के नीचे और स्पेस में, दोनों ही होस्टाइल एनवायरनमेंट है, दोनों ही नॉन फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जिसमें इंसान जिंदा नहीं रह सकते, ओके, डेफिनेटली वेयर ह्यूमंस हैव लाइफ रिस्क। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो एग्जाम्पल लिखने का तरीका देखना अभी मेरा, तुम लोग क्या करते हो, तुम एक ही तरीका अडॉप्ट करते हो वो हमेशा, फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टांस टू एग्जाम्पलीफाई, लेकिन अब तरीका देखो, अ कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया, अ कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली फीचर्ड इट्स फायर फाइटिंग रोबोट्स, रिसेंटली फीचर्ड इट्स फायर फाइटिंग रोबोट्स। इफ यू राइट दिस टर्म फायर फाइटिंग रोबोट्स, तो बहुत सारे रोबोट्स निकल के आएंगे, आप देखोगे एक बड़ी सी मशीन होती है जो काफी दूर तक पानी थ्रो कर सकती है, ठीक है ना, फायर फाइटिंग रोबोट्स विच क्लेम्स टू एक्ट एफिशिएंटली, जो कि दावा करते हैं, विच क्लेम टू एक्ट एफिशिएंटली
act efficiently in emergency and minimize casualty. In emergency and casualty क्या होती है? Fatality. कल परसों एक term आ रहा था fatalities, यानी कि number of deaths. And minimize casualty. Okay. Therefore, this technological development has greatly improved human productivity in many areas. हम इस वाले पैराग्राफ को एक तरह से समराइज कर रहे हैं. Therefore, this technological development ये इसी के बाद ही यहां से कंटिन्यू करना है. ऐसा नहीं मैं लाइन छोड़ रहा हूं. Therefore, this technological development, ग्रामर कौन सी, has greatly improved human productivity, has greatly improved, क्या बढ़ाया है, human productivity. क्या होता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, कार्य क्षमता, कितना वो काम कर सकता है. प्रोडक्टिविटी इन मैनी की एरियाज, इन मैनी की एरियाज. अब वो की एरियाज, यहां हम सारे की एरिया नहीं लिख सकते थे. मैंने बताया जो एटीएम मशीन होती है, अरे रोबोट ही तो है, रोबोट ही तो है, वो अपने आप ही काउंट कर लेती है कितने नोट तुमने उसमें डाले. जो डिपॉजिट की मशीन होती है, अपने आप नंबर आ जाता है उसमें, ठीक है डिपॉजिट, और जब निकलवाना हो बस तुम लिखो उतने ही पैसे निकाल के दे देगी. तो रोबोट है वो भी. बैंकिंग सेक्टर की एरिया, बैंकिंग सेक्टर में कितना टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, प्रोडक्शन सेक्टर में कितनी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है ना. और अब तो धीरे धीरे करके घरों में भी रोबोट्स जो सर्वेंट्स का काम करेंगे उस पर रिसर्च चल रही है, या मेडिकल सेक्टर में उस पर रिसर्च चल रही है. सैनिटाइजेशन के लिए रोबोट्स, यूवी रोबोट्स, अल्ट्रा वायलेट वैसे रोबोट्स भी बने हैं. यस 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 यस. तो ये तो होगी क्या, विच साइड. अभी हमें कहाँ जाना है, तुम्हें जाना है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान भी विलिंग है कोई? ओके चलो. हाउएवर कब लिखते हैं, हाउएवर हम, हाँ जी, हाउएवर या नेवरदलेस हम ये कब लिखते हैं, when we changing our like the progression of statement, उससे जब हमें switch करना हो, जब हमें दोबारा, मैं अच्छी अच्छी बात करता जा रहा हूं फिर भी कुछ बुरी बातें भी हैं, मतलब something like that, मैं बुरी बुरी बात करता जा रहा हूं फिर भी उसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं. तो अब यानी कि हमने अच्छा अच्छा बता दिया, however फिर भी the ill effects of AI cannot be overlooked. तरीका है, द इल इफेक्ट्स ऑफ एआई कैन नॉट बी ओवरलुक. क्या होता है, मैंने कब लिखा नेगेटिव, हाँ तो वो एंड में कंक्लूजन में कहेंगे ना, अब मैं दिखा रहा हूं ना. आमतौर पे क्या होता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता. आमतौर पे क्या होता है, जो स्टैंड हम लेके चलते हैं, ये सलाह है एक, हालांकि कोई रूल नहीं है, जो हम लेके चलते हैं उसे बाद में इलेबरेट करो. ऐसे कोई रूल नहीं है कि हमने जो स्टैंड लिया उसे पहले इलेबरेट करो, वो पॉइंट नहीं है, उसे बाद में इलेबरेट करो. बट जिस तरह से हम लिखेंगे, सीवियरिटी पे हम बात करेंगे या सीवियरिटी पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, राइट. इल इफेक्ट्स ऑफ एआई कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, द बिगेस्ट थ्रेट लिंक्ड विद रोबोटिक्स. तरीका देखो बात को लिखने का, द बिगेस्ट
द का टी बड़ा होगा, जो कि एक नया सेंटेंस है. द बिगेस्ट थ्रेट लिंक्ड विद, एसोसिएटेड विद, रिलेटेड टू, ये सारे टर्म यूज होते कंसर्निंग विद. सो लिंक्ड विद रोबोटिक्स. रोबोटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ रोबोट्स और द फंक्शनिंग ऑफ रोबोट्स. उस पूरे विंग को, उस पूरी ब्रांच को रोबोटिक्स कहते हैं. रोबोटिक्स इज दैट इट कैन कॉज मास डिस्ट्रक्शन. इज दैट थ्रेट लिंक्ड. इट कैन कॉज, यानी कि उसमें पोटेंशियल है. कैन वर्ड कब यूज करते हैं? जब हम क्षमता की बात करते हैं. इट कैन कॉज, ये कर सकता है. इट कैन कॉज मास डिस्ट्रक्शन. मास डिस्ट्रक्शन. नाउ ये टर्म बहुत जरूरी है, यानी कि बड़े लेवल पे नरसंहार, बहुत बड़े पॉपुलेशन का विनाश. मास डिस्ट्रक्शन, विनाश. कब? इफ मिसयूज्ड, अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए, और मिसहैंडल्ड, या फिर इसको गलत हैंडल कर लिया जाए. देखो मिसयूज तो होता है डेलिबरेटली, और मिसहैंडल जब, मतलब हम डेलिबरेट ना हो लेकिन वो गलत हो जाए हमसे, दोनों तरह से ले सकते हैं. नोइंगली और अननोइंगली दोनों ही चीज आ सकती है, जानबूझकर या क्या पता गलती हो जाए. बिकॉज इट डज नॉट हैव सेल्फ जजमेंट एंड इमोशंस. बिकॉज इट, यानी कि रोबोटिक्स या रोबोट्स, या इट डज नॉट हैव सेल्फ जजमेंट एंड इमोशंस. इसमें भाव नहीं होते, और सेल्फ जजमेंट, खुद से ये डिसाइड करने की क्षमता नहीं होती कि क्या सही क्या गलत. सच अ सिनेरियो इज ऑफन डिपिक्टेड इन हॉलीवुड मूवीज दैट सीम कैटास्ट्रोफिक. अब ये मैं यहां थोड़ा लिख रहा हूं, पिक्चराइज करवाना है ना हमें. सच अ सिनेरियो, सिनेरियो, सच ए सिनेरियो, इस तरह का परिदृश्य, इस तरह का दृश्य इज ऑफन डिपिक्टेड इन साईफाई मूवीज, ऐसे लिख सकते हो आप, विच सीम कैटास्ट्रोफिक. जैसे कि वो रोबोट वाली मूवी थी, है ना, जिसमें लगता है कि इतने बड़े लेवल पे मतलब विनाश हो सकता है, या बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज हैं. सो सच अ सिनेरियो इज ऑफन डिपिक्टेड इन साईफाई मूवीज विच सीम कैटास्ट्रोफिक. महाप्रलयकारी डिपिक्ट, दर्शाना, दैट इज ऑफन डिपिक्टेड, डिपिक्शन, किसी चीज का चित्रण. ओके, अनदर मेजर प्रॉब्लम. अब ये टर्म देखो, अनदर, यानी कि अब मैं एक और उस पर आ रहा हूं, अनदर मेजर प्रॉब्लम दैट इज कॉज्ड बाय ओवर यूज ऑफ रोबोट्स. अब यहां ओवर यूज, इन पर्टिकुलर में ये टर्म यूज, ओवर यूज ऑफ रोबोट्स और मशीन्स, रोबोट्स एंड मशीन इज द इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट. बात को लिखने का तरीका देखो, एंड द मशीन्स इज द इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती बेरोजगारी. कहां पे? अराउंड द ग्लोब, पूरे विश्व में, पूरी धरती पर, अराउंड द ग्लोब. ठीक है, ये क्लियर है? दिस सिचुएशन कैन बिकम वर्स. अब मैं इसको, दिस सिचुएशन, ये हालात जो बेरोजगारी के हालात हैं, कैन बिकम वर्स. अब यहां पे स्वाति, कैन लिखूं या इसको थोड़ा सा संभावना में लिखूं? तो लाइकली टू कर ले इसको, हम श्योर ना रहे. लाइकली टू, ये ग्रामर जानबूझ के किया मैंने ऐसा कि आप किसे, कैन यानी कि
कैन भी गलत नहीं था, मैं क्षमता की बात कर रहा था कि क्या पोटेंशियल है अगर रोबोट्स इतने यूज होते रहे तो इसमें क्षमता है कि ये हालात और खराब हो सकते हैं। बट यहाँ पे अब मैं उसी पॉसिबिलिटी लाइकली टू हालात खराब होने की संभावनाएं हैं पूरी पूरी। सो दिस सिचुएशन इज लाइकली टू बिकम वर्स, और ज्यादा बुरे होने की संभावनाएं हैं इन फ्यूचर एज मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर रिलाइंग ओवर इन फ्यूचर एज यहां पे क्योंकि का सेंस दे रहा है, क्योंकि और जैसे ये दो सेंस देता है एज, जो हिंदी में हम टर्म लेके चलते हैं। एज मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आर रिलाइंग ओवर, ये देखो ग्रामर आपकी वोकैबुलरी, रिलाइंग ओवर टेक्नोलॉजी रादर देन मैनुअल एफर्ट्स। टेक्नोलॉजी किसकी बजाय रादर देन ह्यूमन एफर्ट्स। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, मुझे अभी आया, चलो मैं बताता हूं आपको। मैं मार्कर से लिख रहा हूं, थोड़ी देर में मार्कर डल हो जाता है, मैं उसे रख देता हूं, थोड़ी देर उसी मार्कर को उठा लेता हूं, वो डार्क हो जाता है। माइंड भी ऐसा ही होता है, ओवर यूज करोगे ना इसको, यूज करते रहोगे तो इसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। कई बार ब्रेक दे देना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए, थोड़ी डस्ट सेटल हो जाए दिमाग, थोड़ा चिल करना चाहिए, उसके बाद फिर दोबारा देखो आ जाती है जान, पर हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए फिर आ जाती है। सो ये नियम है हर चीज को, थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, सारी चाहे मशीन हो, सारी चीजें हो, सबको एक ब्रेक की आवश्यकता है। सो यहाँ पे हम लिख रहे थे कैन बिकम वर्स इन फ्यूचर एज मोर एंड मोर रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी रादर देन मैनुअल एफर्ट। अब ये देखो, ये बड़े ध्यान से करनी है चीज। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, ये डाला मैंने इन्वर्टेड कोमा, ये डबल भी डल सकता है और सिंगल भी डल सकता है। What will more than ये ऐसे मैंने लिखा था शायद 6 साल पहले, उस टाइम मैंने लिखा है more than 6 billion people, what is the population now, 7 से ऊपर जा चुकी है तो अब इसे 7 कर लेते हैं। What will more than 7 billion people do on this planet? इन्वर्टेड कोमा खत्म, ठीक है? क्वेश्चन है ये अंदर इसके, इन्वर्टेड कोमा, दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन बिफोर ह्यूमन रेस, दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन बिफोर होता है के सामने, यहां पे बिफोर ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस के क्या क्या सिनोनिम है, ह्यूमन काइंड और ह्यूमैनिटी, मानवता, ह्यूमन काइंड मानव जाति, ह्यूमन रेस मानव जाति, सो दीज आर द 3 टर्म्स वी यूज। तो ह्यूमन रेस के सामने भाई ये प्रश्न है, बिफोर ह्यूमन रेस इफ इंटेलिजेंट मशीन्स कीप रिप्लेसिंग ह्यूमंस, इफ इंटेलिजेंट मशीन्स कीप, ये किस सेंस में यूज हो रहा है, कीप रिप्लेसिंग ह्यूमंस, अगर जो इंटेलिजेंट मशीन ह्यूमंस को रिप्लेस करती रही तो 7 billion से जो ज्यादा जनता है वो क्या करेगी, बताओ क्या करेगी। कई बार मैं एग्जांपल भी देता हूं, आपने नोटिस किया होगा जेसीबी मशीन होती है, कहीं पे कोई खुदाई होनी है, एक्सकवेशन का काम होना है, जैसी मशीन आती है थोड़ी देर में अपना खुदाई उदाई करके निकल जाती है, लेकिन एक टाइम में ये मशीन नहीं होती थी, कौन काम करता था, लेबर, बहुत सारे लोग आते थे थोड़ा थोड़ा करके रोज का, मे बी दे वुड टेक 10-20 days, 10 लेबर आई, उनको 10-20 दिन लगे, तो 10 लेबर के पॉकेट में थोड़ा थोड़ा पैसा गया, अब वो एक मशीन ओनर और वो मशीन अमीर बंदे की, किसी एक बंदे की वो मशीन, अब उसने बहुत सारी मशीनें रख ली तो उस एरिया में बहुत सारी उस लेबर की जरूरत ही खत्म हो गई, लेबर इतनी ज्यादा, उसको और कुछ आता नहीं था, वो क्या करे, बच्चे पाल नहीं पाए, बच्चे जब पैदा हुए बड़े हुए उन्होंने देखा हमारे पास पैसा नहीं है, वो लूट पार गलत कामों में इंगेज हो गए, तो क्राइम क्यों बढ़ा,
डायरेक्ट रिलेशन है इस चीज का क्राइम के साथ। जनता को करने के लिए सम्मानजनक तरीके से जब कमाने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर पेट तो भरता है ना इंसान। कुछ जो खुददार लोग होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, कायर कदम जिसको कहते हैं, तो इससे अच्छा तो बैंक लूट लो। जान दे रहे हो तुम, बैंक लूट लो, क्या पता गोली वोली लग के जान चली जाए, कम से कम कोशिश तो करो। अब ये भी एडिट कर देना भाई। पता लगे तुम पकड़वाओगे मुझे। कल को फोन कर लेना एक बार कि सर हो या ससुराल चले गए। आए या ना आए। So, ये वाला पैरा भी अब हमारा खत्म हो गया। तो मैंने जब यहाँ बोल दिया ना कि 7 बिलियन लोग क्या करेंगे अगर, तो मैं सिवियरिटी कितनी बता रहा हूं, देखो कितनी बड़ी चीज है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। अब द वे आई विल राइट माई कंक्लूजन दैट विल क्लियरली स्टेट कि मेरा स्टैंड जो मैंने लिया था, जो रोहित तुम कह रहे थे कि वो क्यों था। इन कंक्लूजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बून, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बून। बताओ भाई क्या है इज अ बून? बून क्या होता है? वरदान। अब ध्यान देना वो टर्म जो तुम नहीं यूज करते, नहीं मिलते तुम्हारे ऐसे से टर्म राइटिंग में, एज लॉन्ग एज जब तक, जितना वक्त तक, ये तब तक एक वरदान है उस सेंस में, एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स ये रहता है, यानी AI रिमेन्स अंडर कंट्रोल, And used wisely by humans. ये तब तक तो वरदान है, यानी कि अब आइडियली मेरी अगली लाइन क्या होनी चाहिए और वो टर्म क्या होना चाहिए हिंदी में, क्या इसके बाद क्या आना चाहिए? वरना, तो इंग्लिश में अदरवाइज। सो ये टर्म अदरवाइज, It has the potential. क्या होता है potential? To wipe out entire humanity, the entire humanity, if turns होस्टाइल, अगर कहीं ये शत्रु हो गई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये पूरे मानव जाति का विनाश करने का दम रखती है। सो दिस इज हाउ आई एम एंडिंग इट। तो मैंने ये चीज लिखी कि ये एक वरदान है, लेकिन इफ इट रिमेन्स इन कंट्रोल, मैंने सजेशन देके इस बात को लिखा, कंट्रोल में रहे तब तक तो ठीक है, वरना ये विनाश कर सकती है पूरी ह्यूमैनिटी का। और फिर जो ये हम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, या तो उन चीजों का को कोई मतलब नहीं रह जाता। सो दिस इज हाउ यू राइट, एंड व्हाट इज योर जॉब नाउ? योर जॉब इज टू पिक आउट द CVG दैट यू हैव लर्नड, द न्यू थिंग्स और द होल पैराग्राफिंग और द कोहरेंस कोहेशन किस तरह से आप लेके आओगे, तो ये काम तुम्हें करना है। और उसके बाद यू हैव टू ड्राफ्ट दिस एसे ऑन योर ओन। डोंट वरी इफ यू आर राइटिंग द सेम सेंटेंसेज और सेम स्ट्रक्चर्स और सेम वोकैबुलरी, बट दैट शुड कम आउट फ्रॉम योर माइंड, वो आपके दिमाग से आनी चाहिए। ओके, सो दैट्स इट।